टाटा मोटर्स ने अपनी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन के एक नए वेरिएंट को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। क्या नया मिलता है आपको इस वेरिएंट में, क्या प्राइस है इस वेरिएंट का और कौन से इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन ये वेरिएंट अवेलेबल होगा आपके लिए, इन सब सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगा। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप नेक्सॉन और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपेरिजन रिव्यूज और बेस्ट कार्स इन एवरी सेगमेंट जैसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर 2020 नेक्सॉन के न्यूली लॉन्च्ड वेरिएंट की बात कर लेते हैं। नेक्सॉन का ये नया वेरिएंट है XMS, जो कि 2020 नेक्सॉन के ऑलरेडी बिक रहे मिड वेरियंट XM पर बेस्ड है, जिसमें हमें एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो फोल्डिंग ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स जैसे कुछ नए फीचर्स मिलते हैं, जो कि नेक्सॉन के स्टैंडर्ड XM वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाते। इस नई वेरिएंट के लॉन्च के बाद नेक्सॉन इंडिया की सबसे अफोर्डेबल गाड़ी बन गई है, जिसमें आपको एक फैक्ट्री फिटेड सनरूफ मिलती है। अभी तक ये खिताब होंडा WRV के पास था। बाकी नई एडेड फीचर्स के अलावा आपको इस वेरिएंट में XM वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स तो मिलेंगे ही, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, डुअल एयरबैग्स, हिल होल्ड कंट्रोल, कनेक्ट नेक्स्ट इंफोटेनमेंट बाय हार्मन और मल्टी ड्राइव मोड्स। तो ये तो हो गई नेक्सॉन के नए वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की बात। अब मैं आपको इसके डिटेल प्राइसेस के बारे में भी बता देता हूँ। नेक्सॉन XMS वेरिएंट हमें दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ, दोनों मैनुअल और AMT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन के साथ मिलता है। पेट्रोल इंजन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ये वेरिएंट एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से 8.36 लाख का, पेट्रोल इंजन AMT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ 8.96 लाख का, डीजल इंजन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 9.7 लाख का और डीजल इंजन AMT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ 10.3 लाख का मिलेगा। ये सारे प्राइसेस एक्स शोरूम है और ना कि ऑन रोड। चलिए अब इस वेरिएंट के इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड वेरिएंट्स की तरह ही इस वेरिएंट में भी आपको नेक्सॉन के दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें से एक है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 120 PS की पीक पावर और 170 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ आपको 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड AMT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं। और दूसरा इंजन है 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जो कि 110 PS की पीक पावर और 260 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ भी हमें सेम 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड AMT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं। तो ये तो हो गई नेक्सॉन के XMS वेरिएंट से जुड़ी जानकारी। अब मैं आपको इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में और क्या ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इसके बारे में भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, ये एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट साबित होता है इस प्राइस पॉइंट पर, जहाँ पर आपको एक टॉप एंड मॉडल वाले फीचर्स एक मिड वेरिएंट में मिल जाते हैं। और सिर्फ सनरूफ की वजह से ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं बनता, बल्कि इसके अलावा जो ये फीचर्स प्रोवाइड करवाता है वो भी एक वजह है जिनकी वजह से ये एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और इसके कॉम्पिटिटर्स में कोई भी इस प्राइस पॉइंट पर ये फीचर्स और इंजन नहीं प्रोवाइड करवाता इस वक्त। बाकी किया सोनेट के लॉन्च के बाद क्या पता ये बात उल्टी पड़ जाए, लेकिन अभी के लिए तो नेक्सॉन का XMS वेरिएंट बिल्कुल ले सकते हैं आप, अगर आपको सनरूफ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स अपनी गाड़ी में चाहिए, लेकिन आप उसके लिए 12-13 लाख खर्च नहीं कर सकते। तो ये थी मेरी तरफ से 2020 टाटा नेक्सॉन XMS वेरिएंट से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।